वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन में। तो देख सकते हो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू राइट इन एग्जाम पेपर विद प्रॉपरली, यानी कि ये जनरली जो है थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे आप इलेवेंथ में पढ़ रहे हो, ट्वेल्थ में हो, या एफ वाई में हो, या फिर आपका एस वाई हो, या फिर टी वाई हो, या फिर और कोई भी जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, राइट ना, एम कॉम एमकॉम या एमएससी, ठीक है। तो एमकॉम की हम अगर बात करेंगे, स्पेशली कॉमर्स के लिए ज्यादातर ये प्रीफर है। तो आप लोग समझना कि इसके अंदर किस तरीके से आपको एग्जाम्स में लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मली अगर आप इसे आप अच्छे से समझ गए तो इसमें आपके लिए एक फायदा होगा कि अगर आप अच्छे से नहीं जानते हो या फिर अच्छे से नहीं पढ़ा है, फिर भी आप एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख कर आ सकते हो। नॉर्मली इसके अंदर जो है इस तरीके का मैं बताऊंगा एक मेथड जिसके हिसाब से आप एग्जाम में परफेक्टली लिख कर आओगे। तो देखो कुछ मैंने क्वेश्चंस इस तरीके से बनाया है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस बनाया है जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने दिखाया आपको। देखो नॉर्मली पहले फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, तो उसमें जो है आपको सारे सारे के सारे आपको आंसर्स तो लिखने ही है, लेकिन क्वेश्चंस लिख कर आंसर लिखना है और उसको अंडरलाइन भी करना है जो भी आपका आंसर होगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स से, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से। अगला दूसरा दिया है मैंने मैच द कॉलम को, तो इसमें टोटली जो है आपको जितने भी क्वेश्चन से पहले तो वो लिखने ही है, लेकिन उसके साथ आपको आंसर भी लिखना है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया है कि इसके अंदर जो है इस तरीके से आपको लिखना है। ये क्वेश्चन होंगे, ये सारा क्वेश्चन होगा और ये आंसर होगा। तो इसमें इस तरीके से एरो बना के आप लोग जो है ये आंसर लिखोगे, ठीक है। तो ये इसके हिसाब से लिखोगे तो फिर एक दफा जो है आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। देन आफ्टर अगर मैं ट्रू और फॉल्स की बात करूं तो ट्रू और फॉल्स में किस तरीके से लिखना है कि जनरली जो भी क्वेश्चन है उसको प्रॉपरली लिख लेना और उसके जस्ट नीचे जहां से आंसर स्टार्ट करते वहां पे आपको अपना इसका आंसर लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया है कि एक क्वेश्चन लिया, पार्टनरशिप एक्ट वाज पास्ड इन 1932, तो उसके नीचे मैंने देखो एरो बनाया, एरो पे मैंने लिख दिया ट्रू। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। आगे की बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में राइट शॉर्ट नोट्स मैंने बताया है। अब राइट शॉर्ट नोट्स के अंदर भी जनरली जो होते हैं इसके अंदर कोई 2 या 3 NE2, NE3, NE4 इस तरीके से पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो इसके अंदर किस तरीके से प्रॉपरली लिखना है, फिर राइट प्रॉपर क्वेश्चन नंबर एंड स्टार्ट योर पेपर, यानी कि प्रॉपर नंबर क्वेश्चन नंबर आपको लिखना ही लिखना है, उसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और दूसरा है ये जनरली 2 से 3 पैराग्राफ में कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। एक पेज का रहेगा। अगर नॉर्मली आपको पूछा गया 5 मार्क्स के लिए, अगर सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो इसके लिए आपको 2 से 3 पैराग्राफ यूज करना और एक पेज के अंदर खत्म करना है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके अंदर, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया जॉइंट स्टॉक कंपनी का, कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में देखो इस तरीके से मैंने ये पैराग्राफ लिखा है, ठीक है। ये नॉर्मल जो लाइन दिख रहा है ये है नॉर्मल पैराग्राफ, ठीक है। तो इस तरीके से पैराग्राफ बना के आपको लिखना है और इसको नॉर्मली 2 से 3 पैराग्राफ में कंप्लीट आपको करना पड़ेगा, ओके। आगे की बात करते हैं जो है आपका फॉलोइंग और द डिस्टिंग्विश बिटवीन। अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो उसमें जो है प्रॉपर आपको टेबल बना के लिखना पड़ेगा। देखो इस तरीके से आपका पेपर रहता है और पेपर में क्वेश्चन नंबर तो आपको प्रॉपरली लिखना है, साथ ही साथ यहाँ पे जो एक लाइन दिया गया, देखो इस तरीके से लाइन आपको एक ड्रॉ कर लेना है अपने आंसर शीट पर, ठीक है। इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। देखो ये क्यों होता है, एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी पेपर सबमिट करते हैं और पेपर को जब जमा किया जाता है, तो नॉर्मली वहां पे एक छोट जो कोने का हिस्सा होता है ये जो है फटने का डर रहता है। तो फटने के डर के वजह से जो है यहाँ पे एक छोटा सा लाइन को ड्रॉ कर लिया जाता है, क्योंकि इसके बाहर हम लिखे ना, ठीक है। ज्यादा बड़ा मत करिएगा, छोटा सा ही करिएगा, क्योंकि ज्यादा बड़ा करोगे तो फिर वो एक एग्जामिनर के व्यू ऑफ पॉइंट से जो एक मिस्टेक होता है जिसके हिसाब से आपका मार्क्स भी काटा जा सकता है। तो फिर आप समझना और उसके हिसाब से ड्रॉ करना। और बात आ जाते हैं फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन में, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन में किस तरीके से लिखना है कि जैसे यहाँ पे बनाया गया, देख सकते हो आप लोग एक टेबल बनाया गया है और उस टेबल के हिसाब से यहाँ पे जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन को बांटा गया है नेम 1 और नेम 2 में। जो भी आपका नाम होगा, आपका मतलब जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है नेम, उसके हिसाब से नेम 1 और नेम 2 में डिवाइड किया गया है।
और फिर उसके बाद जो है इसमें जैसे बताया गया पॉइंट नंबर वन मिनी, अब ये जो है जैसे यहाँ से खत्म करोगे इस तरीके से खत्म हो जाएगा। अब होने के बाद एक लाइन यानी कि इसमें गैप छोड़ोगे आप लोग, और गैप छोड़ने के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आप आओगे, यानी कि जो दूसरा भी पॉइंट आप बनाओगे उसके ऊपर। और ये यहाँ पे ये हो गया पहले पहले पायदान पे, और अगर हम इसका अपोजिट देखें तो यहाँ पे भी देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा है, यानी कि ये जब भी आप कंप्लीट करोगे इसका मतलब यहाँ पे लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है मीनिंग वगैरह, ठीक है। यहाँ पे ना लिखते हुए डायरेक्टली आप लोग स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि आपने ऑलरेडी लिख रखा है। तो इसी तरीके का अगर फॉर्मेट करते हो तो ये राइट कहलाएगा, और दूसरा फॉर्मेट अगर करते हो तो वो एज कंपेयर इसके हिसाब से वो गलत रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है एक सही फॉर्मेट है एज पर यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के हिसाब से, ठीक है, या कोई भी यूनिवर्सिटी हो आप लोग देख सकते हो। उसके बाद देखो, अगर मान के चलो कि ये आप लोग लिख रहे हो, अब लिखते लिखते इन केस एक एग्जांपल के तौर पर कि आपने मीनिंग लिखा, अब मीनिंग लिखते तीसरे लाइन में खत्म हो गया, यहीं पे खत्म हो गया, तो और ये वाला अगर लिखते हो तो ये जो है चार लाइन तक गया। चार लाइन जाने के बाद जो भी आपका गैप बनेगा, एक लाइन तो छोड़ना ही है, तो ये चार लाइन ज्यादा तो इसके बीच में एक गैप छोड़ो, उसके नीचे से स्टार्ट होगा, उसके नीचे से स्टार्ट होगा इन द सेंस कि नेक्स्ट पॉइंट जो होगा आपका इसके बराबर में ही आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे दो गैप छूटेगा तो दोनों छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसी तरह वाइस वर्सा, यानी कि अपोजिट अगर हम देखें कि यहाँ पे जो है समझो कि इस जगह पे जो है चार लाइन जा रहा है, ठीक है, चार लाइन या पांच लाइन जितना भी हो जा रहा है, और ये हमारा तीन लाइन में खत्म हो गया, तो इधर गैप बचता है तो इधर वाला गैप आप छोड़ दो, इस गैप को छोड़कर यहाँ पे जो लिख रहे हो उससे ही आपका प्रॉपर वे में होना चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जनरली पांच मार्क्स के लिए पूछा जाता है, और पांच मार्क्स के लिए अगर पूछ रहा है तो आपको कंपलसरी आपको लिखना है पांच से छह पॉइंट, नॉर्मली पांच से छह पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, एक पेज में कंप्लीट होना चाहिए मैक्सिमम मिनिमम, और मैक्सिमम आपका डेढ़ पेज जाना चाहिए पांच मार्क्स के लिए। ओके, उसके बाद करते हैं बात इस आंसर इन ब्रीफ का, जो कि बहुत ही बड़ा है। आंसर इन ब्रीफ मतलब बहुत ही बड़े पायदान पे इसको लिखना पड़ता है। ये नॉर्मली आपका जो दिया गया है ये क्वेश्चन, आप कोई भी स्टैंडर्ड के क्यों ना हो, देखो इलेवेंथ के हैं तो थोड़ा कम, यानी कि यहाँ पे मैंने बोला कि टू एंड हाफ पेजेस में लिखना पड़ेगा, टू एंड हाफ या तीन पेजेस में ये कंप्लीट होना चाहिए। ये नॉर्मली बड़े के लिए आता है, सात मार्क्स, आठ मार्क्स या दस मार्क्स के लिए आता है। तो इसको जो है अगर दस मार्क्स का पूछा गया तो टू एंड हाफ और थ्री पेज, सात मार्क्स के लिए पूछा गया तो भी आपको टू एंड हाफ या मैक्सिमम टू मैक्स थ्री पेज, यानी कि लगभग दो से ढाई पेज तो लिखना ही पड़ेगा। इलेवेंथ के लिए तो थोड़ा रिलीफ होगा, ट्वेल्थ के लिए तो थोड़ा बहुत रिलीफ होगा, लेकिन एफ वाई एस वाई और टी वाई के लिए रहेगा तो उतना रिलीफ नहीं मिलेगा। ओके, तो इस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। तो इसमें कैसे हम लिख सकते हैं, अगर ये चीजें आपको नहीं पता है, इसमें आपने पढ़ा नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे से इसको लिख सकते हो। देखो इसके अंदर क्या बोला गया है कि आप जो है नंबर वाइज लिखो ए बी सी, है ना, इस तरीके से। पहले पॉइंट में भले ही आपके क्वेश्चंस में मीनिंग के बारे में बोले ना बोले, डेफिनेशंस के बारे में बोले ना बोले, अगर इस तरीके का क्वेश्चन है बड़े मार्क्स के लिए तो आपको कंपलसरी मीनिंग भी लिखना है और आपको डेफिनेशंस भी लिखना है। याद रखिएगा मीनिंग और डेफिनेशन दोनों होना चाहिए। उसके बाद जो मीनिंग होगा वो कम से कम पांच से आठ लाइन का होना चाहिए, मीनिंग जो है कम से कम पांच से आठ लाइन का होना चाहिए, ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। ओके, और डेफिनेशन जैसे दिया गया है बुक के अंदर एज गिवन इन द बुक, वैसे ही आप लोग यहाँ पे डेफिनेशन लिखे, चाहे वो एक लाइन का हो, दो वर्ड का हो या फिर दस लाइन का हो, जैसा डेफिनेशन है बुक में वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा। और उसके बाद हम आते हैं मेन आंसर पे, जो कि क्वेश्चंस में पूछा गया है। तो जो भी मेन आंसर होगा, जो भी क्वेश्चंस में पूछा गया है, उसमें आप लोग टोटल सिक्स टू एट पॉइंट्स लिखोगे, कम से कम छह होना चाहिए और मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स जो है दस पॉइंट भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें टाइम वेस्ट आपका होगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप लोग आठ पॉइंट तक लिखो, उससे ज्यादा मत लिखना, क्योंकि इससे जो है आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट भी होगा कहीं ना कहीं, मतलब हो सकता है कि जो समय दिया गया उसके अंतर्गत ना हो रहा हो। देखो उसमें मैंने टोटल सेवन पॉइंट्स को कवर किया है, ऐसे सात पॉइंट मैंने दिखाया है आप लोगों को, जो कि ऑलमोस्ट हर पॉइंट कितना होना चाहिए इधर पे मैंने लिखा है, ठीक है, चार से सात लाइन का ऑलमोस्ट होना चाहिए, उससे ज्यादा मत जाना, इससे जो है टाइम वेस्ट भी होगा और होगा भी नहीं। और लास्ट होगा कंक्लूजन,
ये देखो बोला तो नहीं जाता है बट कंक्लूजन कहलाता है कि जो भी आपने पढ़ा है, जो भी लिखा है, उसके बेस पे आपने क्या समझा है, जो भी आप समझे हो, दैट इज नोन एज कंक्लूजन। अपने ओन वर्ड में इसको लिखना रहता है, ठीक है। ये नॉर्मली आप लोग जो है 6 से 10 लाइन के बीच में लिखोगे, यानी कि कंक्लूजन जो है 6 से 10 लाइन के बीच में लिखोगे, तब जाके ये फुलफिल होगा। तो देखो ये 2.5 पेज आपका कंप्लीट हो जाएगा अगर परफेक्टली जैसे मैंने बोला है वैसे आपने अगर लिखा है तो। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप लोग जो है ऐसे ही लिखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये फॉर्मेट। तो इसके अंदर जो है आपका इजीली 2.5 पेज तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, तो ये नॉर्मल था 11th या 12th या फिर FY, SY और TY सबके लिए इंपॉर्टेंट था। तो आप लोग समझना, और जितना हो सके अगर किसी को नहीं पता तो ये वीडियो उसको शेयर भी कर सकते हो, वो समझ सकता है आपके माध्यम से। और अगर आपको नहीं भी आ रहा तो आप उसके बारे में अंदाजा लगा के लिख भी सकते हो इसके हिसाब से। तो ये आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाएगा आपका पेपर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको कोई भी डाउट होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो ट्रेंड्स एजुकेशन में, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर्स के साथ। तब तक टेक केयर एंड धन्यवाद।